अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम आए हुए हैं, आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, राउंड अबाउट 44 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था जब मैं घर से चला हूँ। तो अचानक जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो बादल से आ गए, लेकिन सूरज अपनी शिद्दत पे था, दिस सन इज़ एट पीक। सो अब जैसा कि आज के बैकग्राउंड में हमारे देख सकते हैं, या आप सब देख सकते हैं, ये टर्बाइन है। टर्बाइन क्या? वाटर टर्बाइन होती है। इसको अक्सर यूज़ किया जाता है जो फसलें वगैरह होती हैं वहाँ पर जो पानी का सप्लाई होता है। आप भी देखते होंगे कि गाँव वगैरह में जो भी खेत होते हैं वहाँ तक पानी कैसे पहुँचता है। हर बंदे के अफोर्ड में नहीं होता कि वो अपनी टर्बाइन लगा सकते हैं, इसलिए एक टर्बाइन लगा दी जाती है एक मेन पॉइंट पे, जहाँ से सारी फसलों को पानी इजीली जा सके। सो यहाँ से ऐसे पाथ्स बनाए जाते हैं, जैसा कि ये पानी यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आएगा, और यहाँ से इस तरह से जाके मतलब वे बने होते हैं, राहदारी होती है, यहाँ से मुख्तलिफ फसलों तक पानी पहुँच जाता है और उससे फिर फसलें ग्रो अप होती हैं। फिर गंदम उगती है, मकई उगती है, कपास उगती है, और इसके अलावा ढेर सारी फसलें हैं जिसमें से स्पेशली गन्ने की फसल को ज़्यादा पानी लगता है। तो ये तो था टर्बाइन का यूज़। इसके अलावा जो नौजवान लोग होते हैं या बच्चे होते हैं, बच्चा पार्टी होती है, चिल्लर पार्टी जिसे आप कह सकते हो, वो यहाँ पे आ जाती है, आके नहाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी को इंजॉय करने का जो एक देसी स्विमिंग पूल है, देसी स्विमिंग पूल में आप एक अच्छे स्विमिंग पूल का मज़ा ले सकते हैं, वो ये टर्बाइन है। एक्चुअली मैं सुबह सोया हुआ था 12 बजे, बाई चांस मैं एक्चुअली रात को 2 बजे सोता हूँ, तो सिर्फ एक दिन सोया था, डेली नहीं सोता क्योंकि मुझे कुछ काम थे। मैं 12 बजे उठा, मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया, कहता कि मैंने वीडियो शूट करनी है, हमारे टर्बाइन की एडवर्टाइजमेंट कर दो। सो जी आप पहले ये उनका ट्यूबवेल देख लें, कैमरा मैंने ज़रा रोटेट करके दिखाओ। जी हाँ, जैसा कि आपने देख लिया, ये उसकी टर्बाइन है, उसका गाँव है ये, अब आई डोंट नो कौन सा गाँव था, 261 या अराउंड अबाउट कुछ था, मैं उसे दोबारा पूछ के कंफर्म आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो 265 उसका गांव था। यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पे उसकी टर्बाइन पे हमने नहाए हैं। एक्चुअली मैं नहाता नहीं हूँ, मुझे इतनी स्विमिंग भी नहीं आती, फिर भी मैं टर्बाइन इतनी गहरी नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा होगी 5 फीट, तो 5 फीट भी पूरी नहीं है, अराउंड अबाउट 4 फीट होगी। सो हम इधर आए हैं, आके इन्जॉय किया, फुल इन्जॉय कर रहे हैं। इसके अलावा अब हवा चल रही है और आपके साथ अराउंड अबाउट जितने भी खेत हैं इन सब का शॉट्स भी शेयर करते हैं, मौसम की आपको हाल अहवाल भी बताते हैं आज की व्लॉग में। फिर व्लॉग का एंड तक देखिएगा, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ लोग होते हैं जो वीडियो देख लेते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, अब हम आ गए हैं टर्बाइन के बिल्कुल अपोजिट साइड में, फील्ड्स के अंदर। अब फील्ड्स में अगर बात करें तो सबसे पहले आप मेरे इस जानी देख सकते हैं, ये है शुगर केन की फील्ड, गन्ने की फसल, और इस जानी देख सकते हैं ये है कॉटन की फील्ड, जिसे कि रुई कहते हैं, आई थिंक सो इसे कपास कहते हो, बट आई एम नॉट सो श्योर के रुई को ही कपास कहते हैं या कॉटन को ही कपास कहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि मेरे एक जानी कपास की फसल है तो दूसरी जानी शुगर केन की फसल है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, लेफ़्ट और राइट मिला के जो बिल्कुल दरमियान में सेंटर पॉइंट है वहाँ पे खड़ा हूँ मैं, जो व्लॉगिंग कर रहा हूँ। आज व्लॉग का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि व्लॉग्स अगर प्लान के साथ बना ली जाती हैं तो वो कहीं दूर दराज जाना हो तो बनाई जाती हैं। सो ये तो हमने बिल्कुल पास ही आना था अपने घर के, इस वजह से यहाँ पे जो अचानक व्लॉग का प्लान बन गया, सामने व्लॉग बना ली, जो भी जगह मिली है वो आपके साथ शेयर कर दिया, शूट कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा व्लॉगिंग में हसीब के साथ एक दिन को, कुछ लम्हात को। ऐसे हम यहाँ पे 2 घंटे से मुसलसल नहा रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे, हम स्विमिंग सीख भी रहे थे और साथ स्विमिंग कर भी रहे थे, बहुत कुछ 80% तक हम सीख चुके हैं, बाकी 20% है वो भी अगर किसी चक्कर में कमी पूरी हो जाएगी। अभी हमारे जो दोस्त लोग थे, जो भाई लोग थे जिन्होंने हमें इनविटेशन दिया था, वो लोग चले गए हैं गाँव की जानब, हम गाँव से बिल्कुल बाहर टर्बाइन पर अभी भी नहा रहे हैं। तो जब वो आएँगे तो उनके साथ गाँव के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे और कुछ और गाँव की सैर करेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो का हम यहाँ पे एंड करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। हमारा कैमरामैन एक्चुअली बाइक नहीं सही चला रहा, तो थोड़ा मसला हो रहा है वीडियो को एंड करने में। अब हम इस गांव से जा रहे हैं, हमारा इख्तिताम का वक्त हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।